स्पिरिचुअल बनने की सही उम्र क्या है? हमारी लाइफ का कोई ऐसा पड़ाव जो डिफाइन करता है कि हाँ, अब हमें आध्यात्मिक बन जाना चाहिए। क्या आध्यात्मिक होने या आध्यात्मिकता को समझने के लिए कोई मिनिमम या मैक्सिमम एज लिमिट है? बिल्कुल नहीं। खून खराबे को देखकर सम्राट अशोक ने आध्यात्म अपनाया। वाल्मीकि जी ने भी शादी और बच्चों के बाद जीवन का सही सार समझा। वहीं प्रहलाद की तरह आदि शंकराचार्य ने भी बचपन में ज्ञान पा लिया था। लेकिन अगर आप आध्यात्मिक बनना चाहते हैं तो इसके लिए एक बेस्ट एज ज़रूर है। इसे जानने के लिए हमें सबसे पहले आध्यात्मिकता का सही मतलब समझना होगा। स्पिरिचुअलिटी है क्या? एक आर्ट, एक रास्ता और एक विज्ञान, यानी खुद को जानना और कहीं ना कहीं ईश्वर से अपने आप को कनेक्ट करना, या यूं कहें कि खुद को समझने के लिए इस सृष्टि को बनाने वाले की प्रेजेंस को फील करना ही स्पिरिचुअलिटी है। आध्यात्मिकता का मतलब अपनी जिंदगी को एंजॉय करना है और दूसरों के लिए भी वही प्यार और सहानुभूति रखना है जो हम खुद के लिए चाहते हैं। हर किसी का अपना धर्म है और हर धर्म की अपनी एक धार्मिक किताब है। आध्यात्म के लिए हमें किसी न किसी धर्म से जुड़ना पड़ता है, बस उसे गहराई से जानना पड़ता है। स्पिरिचुअल होने का मतलब ये नहीं है कि आप हिंदू हैं, और अगर आप मुस्लिम, सिख, ईसाई या किसी भी धर्म को मानते हैं, आप तब भी आध्यात्मिक हो सकते हैं। मान लीजिए किसी को डॉक्टर या इंजीनियर बनना है तो एक मेडिकल या इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना होगा, ज्ञान के लिए उस विषय की किताबों को पढ़ना होगा। ठीक वैसे ही अध्यात्म के लिए ज्ञान जरूरी है, और हर धार्मिक पुस्तक, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, हमें मानवता का सही अर्थ और उसे स्वीकार करना सिखाती है। लेकिन अक्सर माना जाता है कि स्पिरिचुअल होना सिर्फ भगवान को मानना, पूजा पाठ करना, घर परिवार छोड़कर तपस्या करना, एक सादा जीवन जीना और शाकाहारी बनना है। हम सबने सुना है कि भगवान हर इंसान में मौजूद है। भगवान इस ब्रह्मांड की हर चीज में मौजूद है, और इस सत्य को स्वीकार करना ही आध्यात्मिकता है। स्पिरिचुअल बनने की उम्र की अगर बात की जाए तो कई बार हम सोचते हैं कि रिटायर होने के बाद आध्यात्मिक बन जाएंगे, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने के बाद भगवान का जाप या तीर्थ यात्रा करेंगे। आपका ये कदम निश्चय ही आपके विचारों को पवित्र करेगा और आप समझ पाएंगे कि आपने अतीत में क्या सही और क्या गलत किया। लेकिन ज्ञान का मार्ग एक करियर ट्रैक नहीं है, ये कोई पेशा या कोई खेल नहीं है। हमारे उपनिषद में यम ने नचिकेता को बताया था कि जीवन में दो मार्ग हैं, सुख का मार्ग और आध्यात्मिकता का मार्ग। पहले मार्ग में भौतिक सुख है, लेकिन अगर कोई दूसरे रास्ते पर चलकर परम ब्रह्म को पा लेता है तो उसे परम आनंद मिलेगा, जो पहले वाले रास्ते पर चलकर मुमकिन नहीं है। वास्तव में आप जब चाहें आध्यात्मिकता से जुड़ सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक होने के लिए युवावस्था बेस्ट है, क्योंकि उस वक्त आप में जुनून, साहस और ताकत होती है। एक उदाहरण से समझते हैं कि स्कूल जाने की सही उम्र क्या है। कुछ बच्चे 6 साल की उम्र में एडमिशन लेते हैं, कुछ 2.5 से 3 साल में, या फिर जॉब के लिए सही उम्र क्या है, 23 से 25। लेकिन हमने 12 से 14 साल के बच्चे भी टॉप MNC में जॉब करते देखे हैं। इसका मतलब यही है कि चाहे कोई भी काम हो, जब आप काबिल हो जाते हैं वही सही उम्र है। माउंट एवरेस्ट 50 से 60 साल की उम्र में भी चढ़ा जा सकता है, लेकिन उस वक्त आपको ज्यादा तकलीफ होगी और आपकी एफिशिएंसी उतनी ही कम। आध्यात्मिकता का मतलब ऊपर उठना है, और ऊपर उठने के लिए साहस, शक्ति और जुनून बहुत जरूरी है, और ये सारी क्वालिटीज युवावस्था में सबसे ज्यादा होती हैं। आध्यात्मिकता से आप किसी भी उम्र में जुड़ सकते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल होने की सही उम्र युवावस्था है, क्योंकि उस समय आप मेंटली और फिजिकली पूरी तरह से फिट होते हैं। मान लीजिए आप कोई फल खाना चाहते हैं या फिर किसी को देना चाहते हैं, और आपके पास
एक कच्चा फल है, एक पका हुआ फल है और एक ज़्यादा पका फल है, तो जाहिर सी बात है आप पका फल चुनेंगे। और बात यदि भगवान को कुछ देने की हो या आध्यात्म के रास्ते भगवान के साथ जुड़ना हो, तो क्यों न परिपक्व अवस्था में यानी युवावस्था में खुद को भगवान के आगे समर्पित कर दिया जाए।